हेलो दोस्तों, अक्सर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स पेट में दर्द की कंप्लेन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब कभी किसी व्यक्ति को पेट दर्द होता है तो पेट के डॉक्टर के पास जाएगा, हार्ट फेलियर होगा तो हार्ट के डॉक्टर के पास जाएगा। लोग ये आपस में कोरिलेशन को जज नहीं कर पाते हैं और इसलिए कई बार इवन डॉक्टर्स भी मिस कर देते हैं डायग्नोसिस के पर्टिकुलर व्यक्ति को, जो पेट में दर्द है उसका हार्ट से कोई कोरिलेशन हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को किन कारणों से पेट दर्द हो सकता है, ताकि इन रिलेशन को या इन रिलेशन को समझ पाएँ और बीमारी को अप्रोप्रिएट रूप में मैनेज कर पाएँ। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। यूजली हार्ट फेलियर और पेट में दर्द का कोरिलेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप हार्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकें और ये पेट के दर्द की प्रॉब्लम को कुछ हद तक कम कर सकें। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जब हार्ट फेलियर होता है तो अक्सर पेट में पानी भर जाता है, और ख़ासकर अगर सडन हार्ट फेलियर होता है तो पानी भरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जल्दी पानी भरता है। इसकी वजह से लोग को पेट दर्द ज़्यादा होता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को सडन हार्ट फेलियर होता है तो लीवर के कैप्सूल में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से लीवर का कैप्सूल स्ट्रेच होता है और पेशेंट को दर्द होता है। ऐसे व्यक्ति को यदि आप अगर पेट पर टच भी करोगे, खासकर लीवर के एरिया में, तो उसको सीवियर दर्द होगा। ये इंपॉर्टेंट साइन होता है कि हार्ट फेलियर सडन हुआ है, जिसकी वजह से उसको पेट में पानी भर रहा है, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। इसके अलावा पेट में पानी कहीं पे भी अगर भर जाए तो वो दर्द का कारण बन सकता है, खासकर लीवर में भरे तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति को सडन हार्ट फेलियर हुआ है तो पेट दर्द उसका कंजेशन की वजह से या पानी भरने की वजह से हो सकता है। ऐसे पेशेंट में आप अगर पेट दर्द की कितनी भी दवा दोगे, एसिडिटी की कितनी भी दवा दोगे, या पेट दर्द के लिए कितने भी अलग अलग तरह के पेन किलर्स का प्रयोग करोगे, अलग अलग तरह से पेशेंट को ट्रीट करोगे, फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ पेशाब बढ़ाने वाली दवा देंगे तो 24 घंटे में पेशेंट को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये होने वाला पेट दर्द हार्ट रिलेटेड है, ना कि पेट की प्रॉब्लम से रिलेटेड। इसी तरह से जब एसाइटिस होता है और पेट में पूरी तरह से पानी भर जाता है और पेट का पूरा ही स्किन स्ट्रेच होने लग जाती है, तो इस तरह के पेशेंट को भी पेन होता है। पर क्या, एसाइटिस अगर होगा तो पेट इतना ज़्यादा फूल जाएगा कि आपको बाहर से ही दिखने लगेगा। और ज़्यादातर केस में ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण होता है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर के पेशेंट को पेट दर्द होता है। पेट जैसे जैसे बढ़ने लगता है, पेट के अलग अलग टिश्यूज़ में खिंचाव तनाव होता है, जिससे पेट दर्द बढ़ता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स, जैसे कि पेट में उल्टी जैसा लगना, गैस जैसा लगना, इंडाइजेशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में अलग अलग तरह का दर्द होना, ये वैसे भी कॉमन है हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में। ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स बिना किसी पेट के प्रॉब्लम के भी देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी पेशेंट में अपच हो सकता है। ये होने का कारण कई बार ये भी होता है कि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स पे कई बार आंतों को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, बहुत सीवियर हार्ट फेलियर में देखा जाएगा। इनफैक्ट ये पानी भरना भी सीवियर हार्ट फेलियर में देखा जाता है। अर्ली स्टेजेस में तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि 45-50% वाले पेशेंट में पेशेंट को ये चालू हो जाएगा, पर कई बार आंतों में जब ब्लड सप्लाई कम मिलता है तो इस तरह के पेशेंट्स को कई बार पेट दर्द होता है। इसके अलावा हिपैटिक कंजेशन के अलावा भी लीवर में कई बार अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए, लीवर में सूजन हो जाए या फाइब्रोसिस हो जाए, जो कि एडवांस स्टेजेस ऑफ हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है, तो इस तरह के पेशेंट को भी पेट दर्द हो सकता है। तो यानी लीवर में सिर्फ पानी ही एकमात्र कारण नहीं है, लीवर में सूजन होने की वजह से भी कई बार हार्ट फेलियर के पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। इवन बहुत एडवांस स्टेजेस में जब पेशेंट हार्ट फेलियर में रहता है तो लीवर पूरी तरह सड़ जाए और कार्डियक सिरोसिस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में कुछ कोमॉर्बिड कंडीशन ऐसी हो सकती है, जैसे गैस्ट्राइटिस होना, पेप्टिक अल्सर होना, रिफ्लक्स डिजीज़ होना, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होना, ये सारी चीज़ें भी पेट दर्द का कारण बन सकती है। तो ये सारी डिजीज भी कॉमन है। इनफैक्ट कुछ हार्ट की दवाइयाँ, खासकर एस्पिरिन जो है, वो पेट में गैस्ट्राइटिस और अल्सर कर सकती है, जिसकी वजह से आपको पेट दर्द हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस या पेट दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ और मेडिसिन के साइड इफेक्ट, जैसे पेशाब बढ़ाने वाली दवाई, बीटा ब्लॉकर्स और एसी इनहिबिटर्स के साइड इफेक्ट से भी पेट में दर्द होना या डिस्कम्फर्ट होना, ऐसा हो सकता है। तो ये दवाइयाँ भी एक कारण हो सकते हैं जिससे पेट में दर्द हो। इसके अलावा किसी व्यक्ति को बहुत एडवांस्ड अगर हार्ट फेलियर होता है तो वैसे केस में हिपैटोरीनल सिंड्रोम हो जाता है, ऐसे केस में लीवर भी खराब हो जाता है और किडनी भी खराब हो जाता है। इस तरह के पेशेंट में लीवर में पानी भरना, किडनी में पानी भरना, पेट में दर्द होना, पेट खराब होना और पूरे शरीर में पानी भरना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो बहुत एडवांस स्टेजेस ऑफ हार्ट फेलियर में कई बार हिपैटोरीनल सिंड्रोम हो जाता है, इसकी वजह से भी पेट दर्द हो सकता है। इसके अलावा कुछ तरह के हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में मिसेंट्रिक इस्कीमिया हो सकता है, यानी हार्ट से कोई क्लॉट निकल के पेट में चला जाए और पेट की किसी नली को चोक कर दे, जिसकी वजह से अलग अलग ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं। ये क्लॉट लीवर, किडनी में, पेट में कहीं पे भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से खासकर खाना खाने के बाद पेशेंट को अगर पेट में अगर क्लॉट चला गया हो तो सीवियर दर्द होगा।
इसके अलावा और भी कई और कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों को पेट में दर्द हो सकता है। कई बार ब्लॉकेजेस वगैरह की बीमारियां पेट में भी हो सकती है जिसकी वजह से भी पेशेंट को पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट की नलियों का ब्लॉकेज भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर पेशेंट को पेट दर्द हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कोई नॉन कार्डियक प्रॉब्लम हो, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम हो, पेनक्रियाटिक डिजीज हो, पेट का कोई इन्फेक्शन हो, कोई मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से भी पेट दर्द हो सकता है। तो इसको हम पूरी तरह रूल आउट तो नहीं कर सकते, पर ये अगर एसोसिएटेड चीज़ें हैं तो आपको इसको भी कोरिलेट करना पड़ेगा और अप्रोप्रिएटली ट्रीट करना पड़ेगा। ये सारी बीमारियाँ हार्ट फेलियर के पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी और बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कंपैरेटिवली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। मांसपेशियों में दर्द होने का प्रॉब्लम प्रोटीन्स वगैरह की कमी की वजह से या शरीर में सूजन की वजह से भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स भी कई बार हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि पेट दर्द हार्ट फेलियर पेशेंट में क्या क्या कारणों से हो सकता है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट में जैसे जैसे आप हार्ट फेलियर को ट्रीट करते हैं और वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है या दर्द हो रहा है उसको मैनेज करते हैं, जैसे पेशाब बढ़ाने की दवा देके पानी निकालते हैं, दवाओं के साइड इफेक्ट्स अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसे मैनेज करेंगे, अगर लीवर में सूजन हो रही है तो उसे मैनेज करेंगे, अगर इसके में कोई इवेंट हो रहा है, नली में कोई ब्लॉकेज है तो उसे स्टेंट या ब्लॉकेज को बाईपास करके ओपन किया जा सकता है पेट की नलियों का भी। तो इस तरह का मैनेजमेंट करने से आप ज़्यादातर पेट दर्द की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। पर हाँ, इनका क्लिनिकल कोरिलेशन ज़रूरी है क्योंकि अक्सर आप सिर्फ पेट पर जब फोकस करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती है और पेशेंट का मैनेजमेंट अक्सर मुश्किल हो जाता है, खासकर आज के सुपर स्पेशलिटी के दौर में जहाँ पेशेंट हार्ट की प्रॉब्लम के लिए हार्ट के डॉक्टर के पास और पेट की प्रॉब्लम के लिए पेट के डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ ये चीज़ों का मिस होने का चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारा एक ट्यूबुलर विजन हो जाता है, हम हार्ट पे ही फोकस करते हैं या पेट पे ही फोकस करते हैं और अक्सर ये चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी हार्ट फेलियर के पेशेंट में पेट दर्द के कारणों पर। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। हार्ट फेलियर के पेशेंट में वीकनेस के कारण, चक्कर के कारण और एनोरेक्सिया भूख न लगने के कारण पर भी हमने सेपरेट वीडियोज़ किए, इन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।